स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके 5 पार्ट्स गिवन हैं, एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट्स है, इसमें कह रहा है कि एफ फंक्शन जो हमारा है वो कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल में जा रहा है, और गिवन बाई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है। अब हमें इसमें दिखाना है कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ऑन्टो है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा गिवन है फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो रिलेशन दिया है, सॉरी फंक्शन दिया है, वो दिया है एन टू एन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में हम 1-1 प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, 1-1 के लिए बात करेंगे। 1-1 के लिए हमने क्या बताया था, कोई भी फंक्शन ले रहे हैं हम, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि एफ एक्स वन इसके इक्वल है तो क्या एक्स वन एक्स टू, जबकि एक्स वन एक्स टू जो होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे। नेचुरल नंबर का मतलब उसकी डोमेन से लिए जाएंगे। अब यहाँ से कि एक्स वन एक्स टू नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी नंबर नेचुरल नंबर की ही लेंगे, एक्स वन की जगह पे और एक्स टू की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा कि जैसे एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो हमें प्रूव होके आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यहाँ से प्रूव होके आ जाएगा ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑन्टो की बात करते हैं, सेकंड पार्ट्स लिख देंगे लैंग्वेज में, हेंस एफ इज अ 1-1 फंक्शन। अब इसके बाद ऑन्टो की बात करते हैं हम, हमारा ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। ऑन्टो फंक्शन में हमने बता दिया है कोडोमेन इक्वल रेंज प्रूव कर दें, और जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक यूनिक इमेज प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। तो कैसे प्रूव करते हैं हम, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल क्या लेट कर लेते हैं, वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई लेट करेंगे तो वैल्यू रख देंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू किसके, वाई के टर्म में आएगी, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स इक्वल वाई रूट वैल्यू आ गई, अब इसको हम वाई फिगर से देख लेते हैं क्या इसकी सारी इमेज प्री इमेज होंगी कि नहीं होंगी। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि y हमारा कहाँ से लिया जा रहा है, कोडोमेन से लिया जा रहा है। जैसे हमने 1 लिया तो 1 क्या आ रहा है, 1 के लिए जब y 1 लेंगे वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, जब हम y 1 लेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, जब हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट टू। अब रूट टू बताइए नेचुरल नंबर में होता है या नहीं होता है। नेचुरल नंबर में हमारा जो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्या अंडर रूट टू नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है, तो इसके लिए लिख देंगे कि इसकी प्री इमेज केवल यही बन रही है और सारे एलिमेंट्स बहुत सारे नेचुरल नंबर के होंगे, 2, 3, 4, 5 सबकी रूट में वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे डिफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, सभी जितने भी हमारे कोडोमेन के होंगे उन सबकी एक यूनिक प्री इमेज नहीं होगी। तो पहला हमारा क्या हो गया कि पहला हमारा 1-1 तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। आप सेकंड पार्ट के भी बात करते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा क्या कहेगा कि 1-1 होगा या नहीं होगा। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है एफ किस में जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है, जेड हमारा इंटीजर होता है। लिख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड कि फंक्शन हमारा कहाँ जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है, और डिफाइंड बाय है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो डिफाइंड है वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि 1-1 है या नहीं है, ऑन्टो है या नहीं है। 1-1 को हम सबसे पहले लिखेंगे 1-1 प्रूव करने के लिए, 1-1 फंक्शन 1-1 के लिए क्या करेंगे कि 1-1 के लिए हमने बताया था सबसे पहले कि हम जब एफ एक्स वन लेंगे इज इक्वल टू एफ एक्स टू, फिर हम एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर हम प्रूव कर देंगे।
एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, लेकिन हमें फोकस करना है किस पे, फंक्शन पे करना है। फंक्शन हमारा कहाँ जा रहा है, जेड से जेड में जा रहा है। तो हम देख लेते हैं ये इक्वल होगा नहीं होता, फिगर से भी पता चल जाएगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, इसकी डोमेन जो होगी वो कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम फिगर से चेक कर लेते हैं। फिगर हमारा क्या होता है, हमने कहा था कि जो भी हमारे एलिमेंट लिए जाएंगे एक्स वन एक्स टू वो कहाँ से लिए जाएंगे, जेड से लिए जाएंगे, डोमेन से लिए जाएंगे, डोमेन हमारा जेड ही है। अब जेड में पता है कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, माइनस वन, जीरो टू माइनस इनफिनिटी और जीरो टू प्लस इनफिनिटी तक सारे आ जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम यहाँ वन रख रहे हैं फंक्शन में, फंक्शन जो हमारा दिया है, फंक्शन हमारा दिया है ये, लिख लेते हैं एक बार और, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट वन ही मिल रहा है। वन पुट कर रहे हैं तो आउटपुट वन मिल रहा है। हम यहाँ पे माइनस वन पुट कर दें, f माइनस वन पुट कर दें तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही आ जाता है। यहाँ से भी वन रखने पे वैल्यू वन मिलेगी, चेक कर लेते हैं, यहाँ से वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर ये भी वैल्यू वन आ जाएगी, यानी माइनस वन रखने के पे भी वैल्यू वन आएगी, वन पे भी वैल्यू वन आएगी। तो क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस वन पे भी ये एक ही इमेज दे देंगे। और डोमेन में क्या बताया था हमने, हमने कहा था कि डोमेन में जो कोडोमेन की इमेज होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि लैंग्वेज में लिख देंगे which against our hypothesis, जो कि हमारे परिकल्पना के विरुद्ध है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, which against our hypothesis, जो हम सोच रहे हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं तब भी हमें आउटपुट वन मिल रहा है, वन रख रहे हैं तब भी आउटपुट वन मिल रहा है। तो दो इनपुट करने पे, डिफरेंट इनपुट करने पे सेम आउटपुट जब मिल जाता है तो फंक्शन हमारा वो वन वन नहीं होता है, फंक्शन वो हमारा कौन सा हो जाता है, मेनी वन हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, वन वन नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑनटू की, डिफिनेशन भी आपको ये लिख के भी एग्जाम में दिखाना होगा, which against our hypothesis, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो हम इसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम प्रूव करते हैं ऑनटो, हमारा सेकंड होता है ऑनटो, फॉर ऑनटो के लिए, फॉर ऑनटो के लिए क्या दिखाते हैं हम कि हमारा फंक्शन किस में जा रहा है, जेड टू जेड में जा रहा है और डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या ले लेते हैं हम सबसे पहले, लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करेंगे। अब एफ एक्स की जगह पे वैल्यू वाई पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। अब हम बाई फिगर चेक करते हैं क्या इनकी सारी जितनी भी कोडोमेन में एलिमेंट आएंगे, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स आएंगे उसकी सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर, इंटीजर में तो सारी वैल्यू माइनस की भी आ जाती हैं। तो यहाँ से हम वन लिखेंगे तो वन तो आउटपुट वन ही देगा, वैल्यू वन वाई रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी वन देगा, टू रखेंगे तो रूट टू भी देगा, रूट टू भी हमारा क्या आता है, नहीं इंटीजर आता है, ये इंटीजर में आता है रूट टू नहीं आता है। तो जब इसके लिए केवल एक ही इमेज बन रही, इसके लिए ये प्री इमेज नहीं बन रही है तो ये चीज़ हमारे लिए गलत हो जाएगी। यानी इसकी केवल कह रहा था जितने भी आपके एलिमेंट्स को डोमेन में होंगे उनकी सबकी प्री इमेज डोमेन में बननी चाहिए। यानी टू अगर रख रहे हैं हम इनपुट वाई रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू रूट टू आ जाती है जो कि हमारे जेड इंटीजर में नहीं होती है। तो हम क्या लिख देंगे, एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। यानी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के उन सब की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं होगा। क्या लिख देंगे कि कोडोमेन, कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज। ये हमारा भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ना वन वन होगा ना ऑनटो होगा, ये भी हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा
कह रहा है कि एफ जो रिलेशन है वो किस में जा रहा है, थर्ड नंबर आर से आर में जा रहा है। आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और डिफाइंड बाई है एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही प्रोसेस हम लगा देंगे जो हमने बताया था, क्या लगा देंगे वन वन में, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब हम देखेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, फिर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आएगा या नहीं आएगा, हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, बाय फिगर हम दिखा देंगे आपको कैसे होगा। कि जैसे फंक्शन है इसमें हम इनपुट वन रखेंगे, इनपुट वन करेंगे तो आउटपुट वन मिलेगा, माइनस वन इनपुट करेंगे तब भी आउटपुट वन मिलेगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो हमने बताया, जब किसी भी फंक्शन में एक ही डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाती है तो वहां पे हमारा फंक्शन वन वन नहीं होता है, मेनी वन हो जाता है। तो क्या लिख देंगे, व्हिच अगेंस्ट आर हाइपोथेसिस सो एफ इज नॉट वन वन, जो कि हमारे परिकल्पना कर रहे हैं उसके अपोजिट है, विरुद्ध है। तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कह रहा था कि एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, इसमें हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, दोनों की एक सेम इमेज मिल रही है। तो लिख देंगे एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब बात कर लेते हैं ऑन्टो है कि नहीं है, ऑन्टो के लिए भी बात करते हैं। ऑन्टो में क्या प्रोसेस हमने बताया था, ऑन्टो में बताया था जो भी हमारा फंक्शन है उसे हम लेट करते हैं। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करेंगे। अब एफ एक्स की जगह पे वाई वैल्यू रख देंगे, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल क्या आएगा, रूट वाई आएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कोडोमेन क्या रेंज के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होंगे उसकी क्या इमेज जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम देख लेते हैं बाई फिगर, बाई फिगर में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, ये भी जेड में है, किस में जा रहा है, जेड में रियल नंबर में जा रहा है, सॉरी रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। तो हम देख लेते हैं रियल नंबर में अगर वैल्यू वन रख रहे हैं, वन वैल्यू रख रहे हैं इनपुट करने पे, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, रूट टू रख रहे हैं रूट टू आ रही, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर छोड़ के सारे रियल नंबर होते हैं। अब माइनस वन रख रहे हैं तो रूट माइनस वन आ रहा है जो कि इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो क्या रियल नंबर में होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी सारी एक यूरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, इनकी जितनी भी इमेज हैं सबकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है, हेंस रेंज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, जो हमारा होगा वो क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अब थर्ड पार्ट्स की बात कर लेते हैं, थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में सॉरी थर्ड ही था, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, एफ एन टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमारा थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट से वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, और फंक्शन क्या दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रहा है, जिस पे हमें प्रूव करके दिखाना है वन 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 टू है या नहीं है। तो आप इतने क्वेश्चन हम बता चुके हैं तो अपने मन से ही सोचिए कि ये वन वन है कि नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा वन वन है कि नहीं है, वन टू है या नहीं है। अब देख लेते हैं हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, जितना भी आउटपुट करेंगे वही तो निकलेगा यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। ये तो हमारा कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ऑन्टो की बात करते हैं, ऑन्टो में क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करते हैं। अब वाई इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, एक्स की पावर थ्री, ये लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, अब टर्म में y की वैल्यू निकालना होता है तो उधर जाएगा y 1 बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखेंगे कोई तो x की वैल्यू 1 बाई 3 आ जाएगी जो कि नेचुरल में नहीं होगी, तो क्या कह देंगे, जो कि एवरी एलिमेंट्स आपको डोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, जो सबकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी डोमेन में। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, बीजी है एफ फंक्शन जेड टू जेड में जा रहा है एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे था एक्स क्यूब है, आप उसी प्रोसेस को लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।